अस्सलाम वालेकुम। आज हम कॉर्न के पराठे बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए ये हमने 1 किलो कॉर्न ले लिया है और इसको अच्छे से धो लिया है। तो ये स्वीट कॉर्न है और बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिए। और जो है इसको शुरू करते हैं, तो इसको हम दरदरा सा पीस लेते हैं मिक्सी जार में डाल के, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये देखिए हमने दरदरा सा जो है बना लिया है इसका कॉर्न का, तो हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो इसके पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं, अब वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें बिल्कुल भी। ये सारा बैटर हमने निकाल लिया है अच्छे से, और दरदरा सा है ये, बिल्कुल महीन नहीं है ये, आप देख सकते हैं। इसके पराठे आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इसको एक साइड में रख देते हैं, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो इसका क्या करना है बाद में दिखाते हैं। ये देखिए हमने आटा ले लिया है, जो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं वो आटा ले लिया हमने, और एक कुंडा ले लिया है उसमें जो है आटा लगाएंगे। तो पहले हम नमक डाल देते हैं 1 से 1.5 चम्मच, आप जितना चाहे उतना आप गून सकते हैं, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो ये हम 1 किलो के करीब आटा गूंदेंगे, तो इसका आधा आटा ले लेंगे हम। देखिए हमने आधा आटा ले लिया पूरा अलग, तो ये 2 किलो आटा था तो हमने आधा ले लिया, इसको एक साइड रख देते हैं। ये देखिए हमने नॉर्मल पानी ले लिया, तो इसका हम आटा गूंदेंगे जो नॉर्मली गूंदता है, इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे हम। देखिए आटा हमने सान लिया अच्छे से और मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं बहुत ही नरम है। तो हम 5 से 7 मिनट इसको बहुत ही हल्का हल्का सा पानी लगा के इसे हम गूंदेंगे, जैसे नॉर्मली आटा गूंदते हैं। तो पानी डाल डाल के 5 से 6 मिनट इसको हम गूंद लेंगे, तो हमें नरम ही गूंदना है ऐसे मुट्ठी लगा के। देखिए ऐसे गूंद लेते हैं, चिकना सा आटा कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए आटा हमने गूंद लिया है 5 मिनट इसे अच्छे से, और थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब, और इसे फिर से मुक्की लगाएंगे आटे में, ताकि आटे में जो है ना ये सारा ऑयल जज्म हो जाए, अंदर चला जाए। तो इसलिए ये देखिए आटे में तेल हमने अच्छे से लगा लिया है, पानी नहीं डालें बिल्कुल भी। अब जो ऑयल है हमारे पास इसी में ही हम लगा देंगे, तो ये चिकना चिकना से रहे, चुपके नहीं। देखिए कितना नरम आटा है बिल्कुल एकदम। इसको हम वापसी सीधा कर देंगे, इसमें हम जो ऑयल है चारों तरफ उसको लगा देंगे। तो इसको हम ढक देंगे आधे घंटे के लिए और हम आगे तैयारी कर लेते हैं। देखिए हमने बासी जो है कॉर्न बैटर ले लिया, तो इसमें हम हरी मिर्चें डाल देंगे। तो 5 से 6 हरी मिर्चें हमने महीन काट ली हैं, आप चाहे तो कम कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। और 2 प्याजें हैं छोटे साइज़ की, तो वो भी हमने महीन काट ली, ये भी डाल देंगे हम इसमें। तो हम इसमें जो है लहसुन पेस्ट डाल देंगे थोड़ा सा, 1 टीस्पून के करीब ऐसे, खाली ये लहसुन है अदरक नहीं है। इससे टेस्ट और खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी लहसुन की। और इसी के साथ साथ हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे इसमें, कुटी हुई मिर्चें। तो ये कश्मीरी मिर्चें होती हैं, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं, जो कुटी हुई मिर्चें होती हैं मोटी वाली, तो आप अपने हिसाब से डालें। और ये खूबसूरत लगती हैं पराठों में। 1 टीस्पून हम इसमें ओरिगेनो मिक्स डालेंगे, ये मिक्स वाला है जो पिज्ज़े में होता है, वही पिज्ज़ा में डालते हैं पिज़्ज़ा सीज़लिंग करने के लिए। तो 1 टीस्पून ये डाल देंगे, इससे और अच्छी सी खुशबू आएगी पिज़्ज़े की तरह, और डलते ही बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। इसमें नमक डाल देंगे 1/2 टीस्पून या टेस्ट के हिसाब से। देखिए ग्रीन चिली डाल देंगे, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, अगर चाहे आपके पास ये ना हो तो स्किप कर दें, क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी डाली हैं इसमें, बस ये टेस्ट के लिए डालनी है ताकि टेस्ट अच्छा हो जाए। 1 टेबल स्पून हम इसमें डार्क सोया सॉस डालेंगे, इसी के साथ साथ हरा धनिया डाल देंगे 1 टेबल स्पून, ताज़ा डालें।
हमने ये पिज्जा चीज लिया अमूल की, तो ये डाल देंगे। मोजरेला चीज है, तो ये पूरा पैकेट जाएगा। कभी कभी खाने के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन हर रोज खाएंगे तो नुकसान देगा, बच्चों को भी हेल्दी नहीं रहेगा। तो कभी कभी खिलाएं, जैसे एक के बजाय दो पराठे खाएंगे बच्चे भी, और बड़े बड़े सब ये बहुत ही पसंद कर रहे हैं ये चीज़ें। तो इसको हम पहले अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए अच्छे से हमने मिला लिया है, तो नमक मिर्च आप चेक कर सकते हैं, इसमें नमक फीका हो या मिर्चें फीकी हो तो आप डाल सकते हैं। नमक हल्का सा फीका है तो हम नमक डालेंगे। आधा टीस्पून हमने नमक डाला है और आधा ही टीस्पून हमने चिली फ्लेक्स डाल लिया है, और ये हमने 3 चम्मच जो है बेसन लिया, ये भी इसमें डाल देंगे बाइंडिंग के लिए, ताकि अच्छे से भर जाए। तो इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं सबको। देखिए हमने सब चीज़ें अच्छे से मिला ली हैं। इसमें जो है ना ज़्यादा मिर्चें अच्छी नहीं लगती हैं तेज़, तो वो चीज़ का और कॉर्न का मज़ा दबा देंगी, तो इसलिए मिर्चें आप देख के डालें। तो आपको लग रहा होगा कि हमने इतनी सारी मिर्चें डाली हैं तो बहुत ही तेज़ होंगी, नहीं वो तेज़ नहीं है, क्योंकि अभी ये आटे में भी डलेगा तो पराठा बनेगा तो उसमें भी कवर हो जाएगा, क्योंकि आटे में हमने कुछ डाला नहीं है, तो इसीलिए तो इसको एक साइड रख देते। हमने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, उधर घी निकाल लिया। आप चाहें तो ऑयल में बनाएं, आपकी मर्ज़ी है, मक्खन में बनाएं। तो इधर हमने आटा ले लिया है, तो आटे के हम पेड़े तोड़ लेंगे, तो जितने बड़े छोटे आपको चाहिए उसके हिसाब से तोड़ें। तो हम थोड़े से जो है बड़े बनाएंगे, तो आटा जो है हम तोड़ लेते हैं। ठीक है, इतने बड़े साइज तोड़ लेते हैं। ठीक है, पेड़े बना लेते हैं, तो थोड़े से छोटा कर लेंगे हम। और ये देखिए 1 से 2 दफ़ा में हमारा पेड़ा बन के तैयार हो गया है, देख सकते हैं। तो बस ऐसे ही पेड़े बना लेते हैं सारे। देखिए 6 पेड़े हमने बना लिए हैं, अब हम इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसको बेलना स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए तो नॉर्मली हम जैसे घर में बनाते हैं ऐसे ही बनाएंगे। तो आप अच्छा आपके पास टाइम हो तो पेड़े बना के आप 10 से 12 मिनट 15 मिनट रख सकते हैं। तो इसको हम बेल लेते हैं अच्छे रोटी की तरह पतला सा, बड़ा जो है बेलन से बेल लिया। अब हम इसे हाथ से बड़ा करेंगे। चपाती की तरह तो हम रोटी ऐसे ही बनाते हैं घर में। देखिए कितनी बड़ी हमने रोटी बना लिए, हाथ से बड़ी कर लिए। ये आप देख सकते हैं हाथ जो है इसमें चमक रहा है, बिल्कुल बहुत ही हल्की सी हो गई है, जैसे चपाती होती है बिल्कुल ऐसे ही। तो आप भी ऐसे ही बड़ी करें। तो इसको हम थोड़ा सा और कर लेते हैं, बेल लेते हैं, और इस पे जो है ना थोड़ा सा हम घी लगाएंगे। अच्छे से घी लगा दिया इसमें। अब चाहे तो गरम करके भी लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर आटा डालेंगे, सूखा आटा हल्का सा ही डालेंगे। अब इसको हम पराठे की तरह ऐसे कर लेंगे, हम रोल कर लेंगे। देखिए हमने जो है 4 फोल्ड कर लिया इसका। अब हम इस पे फिर से घी लगाएंगे। अच्छे से फैला लेंगे। तो फिर से आटा डालेंगे थोड़ा सा, और अब इसको हम रोल कर लेंगे। थोड़ा सा खींच खींच के रोल करें ताकि अच्छे से परतें आए इसकी।
कि रोल कर लिया है। अब इसको हम ऐसे पेड़े बना लेते हैं। अब ऐसे ही एक दो और बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको क्या करना है। जो है चार पेड़े बना लिए हैं, ताकि थोड़ा मौसम ठंडा हो रहा है तो इतने ढल जाएंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम सोचे पहले आपको बना के दिखा देते हैं। तो इन्हें हम बेल लेते हैं, हम बेल लेते हैं अच्छे से। देखिए ये हमने इतना बड़ा साइज बेल लिया है। आप चाहे तो गोल जो है भर के भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हम इसको बीच बीच में लगाएंगे, थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे हम। देखिए हमने जो है ऐसे लाइन से एकदम बीच में इसको फैला दिया है। अब हम इसे मोड़ेंगे साइड से ऐसे चढ़ाते हुए, देखिए दबा देंगे थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा हम खींच के बड़ा करेंगे, और इसको भी ऐसे मोड़ देंगे इस साइड से भी, ताकि हमारा बेटा जो है वो निकले नहीं, लिंग ना निकले। तो हम जो है रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं बिल्कुल। इस पे थोड़ा सा आटा डाल लेंगे हल्का सा, और इसको हम पलट लेंगे, इसको हल्के हाथ से थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे। बस हम इतना साइज जो है ये हमारे पराठे का बहुत ही अच्छा है ये। इधर हमने घी लगा लेंगे, तवा तो हमारा गरम है। अब हम जो है अपना पराठा इसमें रख देंगे, डालना नहीं है क्योंकि इसमें घी है, आप देख सकते। घी को हम निकाल देते हैं, तो भी जरूरी है, तो उसके लिए हम पराठे को उठाएंगे और ऐसे करके रख देंगे। ये देखिए, तो जो है चूल्हा को मीडियम रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे। सा घी डाल देंगे दोनों साइड, ताकि अच्छे से गोल्डन सीखे। आप चाहें तो कम भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन वो जो गोल्डनपन और क्रिस्पीपन आएगा वो नहीं आएगा कम घी में। सा हरा धनिया लगा देते हैं, रहेगा या नहीं। देखिए जब बेलें तो वो स्टेम धनिया जो है इस पे लगा दें, ताकि और खूबसूरत सा लगे। तो अब हम इसे पलट लेते हैं, वाह देखिए कितना बेहतरीन सा हमारा पराठा सीखा है, ये गोल्डन हो गया बिल्कुल। तो दूसरी साइड से भी ऐसे ही सिकेगा मीडियम आंच पे, ठीक है। ऐसे ही गोल्डन सेक लेते हैं और ऐसे ही सारे बना लेते हैं, और फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चीज़ कॉर्न का पराठा बन के तैयार हुआ है। आप ज़रूर ट्राई करें। खत्म चीज़ कॉर्न चीज़ पराठा बन के हमारा तैयार हो गया, तो हम काट लेते हैं, पीस कट कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया सा, आप चाहे तो चीज़ ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने पूरा पैकेट डाला है इसमें। देखिए ये खिंच रहा है, देख सकते हैं ये, आप देख कितना बेहतरीन से पराठे बन के तैयार हो गए। तो प्लेट में लगा लेते हैं और फिर दिखाते हैं आप। देखिए कौन चीज़ पराठा बनके हमारा तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। इसकी स्टफिंग भी बहुत ही बढ़िया सी आई है, तो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और इसमें जो है ना इसकी लेयर भी बहुत ही अच्छी है, ये देखिए कितना बढ़िया सा, और बहुत ही बढ़िया से लेयर भी आई है इसकी, ये देखिए इतना बेहतरीन। अभी ये गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ये और खिंचेगा, और बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश, और हम भी खुश बना के। जो मज़ा खिलाने में आता है ना, मेहनत करके बना के खिलाने में, और दुआएं मिलती हैं तो बहुत ही खुशी मिलती है। तो
तो अगर चाहे आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी हमारी ये रेसिपी। अच्छा, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।